सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और दबाइए नोटिफिकेशन बेल को और पाइए मेरे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष, आप देख रहे हैं क्या और कैसे। दोस्तों आज मैं आपको NSDL और UTI से ई पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बताने वाला हूं। इंडिया में NSDL और UTI दो एजेंसी पैन कार्ड बनाती है। आप इनमें से किसी भी एजेंसी के थ्रू पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, ईमेल का सेक्शन होता है, वहां आपको अपना ईमेल एड्रेस अच्छे से मेंशन करना है, क्योंकि जैसे ही आपका पैन नंबर जनरेट होता है, ये दोनों एजेंसी आपके ईमेल एड्रेस पे आपका ई पैन कार्ड सेंड कर देता है, जिसे आप डाउनलोड करके टेम्पररी यूज में ले सकते हैं, जब तक कि फिजिकल फॉर्म में आपको आपका पैन कार्ड नहीं मिलता है। अभी काफी जल्दी पैन कार्ड वैसे सभी को मिल जाता है। अगर आप ई साइन मेथड से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो 7 to 10 days में आपका पैन नंबर जनरेट होता है, उसके बाद आपका पैन कार्ड बनता है और डिस्पैच कर दिया जाता है। विथिन 1 month में आपको आपका पैन कार्ड आपके होम एड्रेस पे मिल जाता है। और अगर आप ई KYC प्लस ई साइन मेथड से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 to 5 days में आपका पैन नंबर जनरेट होता है, उसके बाद डिस्पैच कर दिया जाता है आपके एड्रेस के लिए, और आपको विथिन 20 days में पैन कार्ड मिल जाता है। लेकिन बहुत बार होता है कि पैन कार्ड आने में दिक्कत होता है, आपका एड्रेस कुरियर बॉय नहीं खोज पाता है, या आप रूरल एरियाज में हैं तो बहुत टाइम लग जाता है आप तक पहुंचने में, और बहुत बार होता है कि आप तक आता ही नहीं है कुरियर बॉय और वो वापस कर देता है आपका पैन कार्ड NSDL या UTI जहाँ से भी आपने बनवाया है। तो अगर आपको जल्दबाजी है पैन नंबर का तो आपके काफी काम में आ सकता है ई पैन कार्ड। तो आप ध्यान रखें कि आप अपना ईमेल एड्रेस अच्छे से मेंशन करें। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर देंगे, आपका पैन नंबर जनरेट होगा, आपके ईमेल एड्रेस पर मिल जाएगा ई पैन कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए मैं आपको ई पैन कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ। 1 month पहले मैंने अपने फादर के पैन कार्ड में कुछ करेक्शन के लिए अप्लाई किया था। पैन कार्ड में करेक्शन होकर नया पैन कार्ड हमारे घर के एड्रेस पे हमें मिल गया। लगभग 25 days लगे हमारे घर पे पैन कार्ड आने में। लेकिन जिस दिन मैंने पैन कार्ड के करेक्शन के लिए अप्लाई किया, उसके 5 दिन के अंदर में ही हमारे ईमेल एड्रेस पे ई पैन कार्ड सेंड कर दिया गया। मतलब जैसे ही पैन कार्ड में करेक्शन हुआ, तैसे ही हमारे ईमेल एड्रेस पे ई पैन कार्ड हमें मिल गया। उसे मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने ईमेल एड्रेस में, जिस ईमेल एड्रेस को आपने पैन कार्ड के अप्लाई के टाइम में मेंशन किया था, चल जाए। उसके बाद आप इनबॉक्स में देखें NSDL या UTI जिससे भी आपने अप्लाई किया था उसके तरफ से कोई मेल है। अगर यहाँ आपको नहीं दिखे तो स्पैम का ऑप्शन है, इस पे जाएं, इस फोल्डर में आप चेक करें। बहुत बार स्पैम फोल्डर में चला जाता है, जैसे कि मुझे भी स्पैम फोल्डर में ही मिला है। देखिए NSDL की तरफ से है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पैन अलॉटमेंट लेटर फॉर योर पैन अप्लीकेशन नंबर, इसे ओपन करना है। ऊपर में आपका सारा डिटेल होगा कि करेक्शन हो गया है, डिस्पैच कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे एक अटैचमेंट होगा, PDF फाइल में होगा, और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये इसका पासवर्ड क्या है। मैं आपको बता दूं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वही इसका पासवर्ड होगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड करने के लिए। मैंने क्लिक कर दिया है, डाउनलोड हो रहा है। अब देखिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ ओपन करने के लिए, यहाँ पासवर्ड मांगेगा। तो सबसे पहले आपको देना है डेट, उसके बाद मंथ, कहीं भी आपको डैश या स्लैश का यूज नहीं करना है, उसके बाद ईयर, सबमिट पे क्लिक कर दें, ई पैन कार्ड आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये रहा ई पैन कार्ड, आ गया, कुछ इस तरह का आपके सामने आएगा। आप चाहें तो इसे प्रिंट करा लें और कट करके आप लेमिनेट करा सकते हैं, आप इसे नॉर्मली यूज में ले सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे बस आपको साइन करना होता है। इसके बाद अगर आपको ओरिजिनल फॉर्म में आपका, मतलब फिजिकल फॉर्म में आपको रिसीव नहीं होता है पैन कार्ड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इसे डाउनलोड कर लें, प्रिंट करा लें, लेमिनेट करा लें और यहाँ सिग्नेचर कर दें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप नॉर्मली यूज में ले सकते हैं।
अगर आपको मेरा ये दिया हुआ इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि ई पैन कार्ड को कैसे वो डाउनलोड कर सकते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ई पैन कार्ड के बारे में उनके लिए जानकारी, कितना काम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।